हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। तो हमने कल संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ा था, एक प्रश्नावली 1.1 के 12 नंबर प्रश्न तक हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 से। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये 12 तक हमारे प्रश्न को नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ी हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला 13 नंबर प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं। वो है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय ए में आर इजकल टू P1 P2 संबंध P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है तथा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न का संबंध क्या दिया है। R इजकल टू P1 P2 तथा P1 एवं P2 की संख्या जो है वो समान है, बराबर है। तो देखो भुजाओं की संख्या समान है तो क्या करेंगे, आपको पता है पहले हमें क्या निकालना है, तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। और स्वतुल्य में आपको पता है कि AA का संबंध R से होना चाहिए, अर्थात मान लीजिए ये कोई वर्ग है और तथा इसका नाम P1 दे देते हैं। तो इसकी भुजाओं की संख्या बराबर है आपस में, तो P1 भी, अगर ये P1 है और ऐसा ही सेम अगर कोई वर्ग बन जाता है तो ये भी, इसकी भी भुजाओं की संख्या बराबर होगी आपस में। तो हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया कि P1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R को, उसकी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ऐसे सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे सममित निकालने के लिए। सममित निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का संबंध R से दिखा है तो बी ए का भी संबंध R से दिखाना होगा, तो हमारा सममित हो जाएगा। तो मान लीजिए ये कोई वर्ग है तथा ये कोई वर्ग है, ठीक है, ये कोई A है ये कोई B है, ठीक है, तो इसकी भुजाओं की संख्या इससे बराबर है तो इसकी भी भुजाओं की संख्या इससे बराबर होगी, अर्थात P1 और P2 का संबंध R से है तो P2 और P1 का संबंध भी क्या होगा, R से होगा। तो ऐसे हमारा ये प्रूफ हो गया, तो ये सममित हो जाएगा, ठीक है, ये स्वतुल्य हो गया, ये सममित हो गया। अब निकालेंगे संक्रामक। संक्रामक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई मान लो ऐसे करके कोई वर्ग है तो संक्रामक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का संबंध R से है, बी सी का संबंध अगर R से है तो A और C का भी संबंध R से है, अर्थात इसका, इसकी भुजाओं की संख्या इससे बराबर है और इसकी भुजाओं की संख्या इससे बराबर है, और मान लो B है ये C है, C दिया है, इसकी भी की भुजाओं की संख्या C के बराबर है, इसकी भुजाओं की संख्या इससे बराबर है, ये दोनों बराबर है आपस में तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात P1 P2 का संबंध R से, P2 और P3 का संबंध R से, तो P1 और P3 का भी संबंध R से होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इजकल टू L1 L2 L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, रेखा Y इजकल टू 2X+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन क्या है, देखो करते हैं कि अगर इसमें संबंध दिया है कि संबंध L1 L2 समांतर है L2 के, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है और ये कोई रेखा है तो इसके, ये L1 है ये L2 है तो इसके और इसके समांतर दिया है, तो आपको पहले क्या निकालना है, तुल्यता निकालना है, तो स्वतुल्य निकालेंगे पहले। और आपको पता है स्वतुल्य में AA का संबंध R से दिखाना है, अर्थात मान लीजिए आपको ये पता है प्रॉपर्टीज़ कि L1 जो है, L1 अपने रेखा के, L1 जो है अपने खुद के समांतर होगा या नहीं होगा, ये तो आपने प्रॉपर्टीज 9th क्लास में पढ़ी है, तो आपको पता है L1 के समांतर होगा, अर्थात L1 जो है L1 का संबंध R से होगा, ठीक है। अब बताएंगे सममित। सममित निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो AB का संबंध R से, BA का भी संबंध R से दिखाना होगा, अर्थात अगर L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है तो क्या होगा, L1 क्या होगा, L1 अगर L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा, L2 भी L1 के समांतर होगा, तो ऐसे हमारा सममित भी निकल गया। अब निकालेंगे हम संक्रामक। संक्रामक निकालने के लिए क्या करना है, ए बी का संबंध R से, बी सी का संबंध R से तथा ए सी का भी संबंध
आर से, अर्थात एल वन यहाँ कोई एल थ्री रेखा मान लो जो एल टू और एल थ्री के समांतर है, अर्थात एल वन एल टू के समांतर है और एल टू जो है एल थ्री के समांतर है। तो ये देखो ये रेखा इसके है समांतर, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये भी तो इसके, अर्थात एल वन इजकल टू अगर एल टू है और एल टू इजकल टू एल थ्री है तो एल वन इजकल टू भी एल थ्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एल वन समांतर होगा L3 के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, then L1 और L3 का भी संबंध क्या हो जाएगा, R से होगा। तो अर्थात ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो हमारा ये निकल गया कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये तुल्यता संबंध हमारा निकल गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम इसमें एक और चीज़ देख, एक और पार्ट दिया है, वो दिया है कि रेखा वाई इजकल टू टू एक्स प्लस फोर से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप देखो, आपको पता है वाई इजकल टू टू एक्स प्लस फोर क्या दिया है, ये कोई रेखा दिया है, ठीक है, ये रेखा है। तो अब बताओ कि इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप m जो है, ये m हो m है m 2 है, तो अगर इसको क्या, ये समुच्चय कब होगा, जब 2x प्लस ये चेंज हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 1 होगा, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी या 2x प्लस सी इसको लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम ये इसको सी को अगर चेंज कर दे तो हमारा समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे दो रखेंगे तो दो, तीन रखेंगे, एक एक भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो अर्थात ये समुच्चय हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, मान लीजिए 15 नंबर, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r इजकल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये हमारा संबंध दिया है द्वारा परिभाषित संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, दूसरा दिया है r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, r सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, चौथा दिया है r एक तुल्यता संबंध है। तो हमें ये देखना है, इस रिलेशन को देखना है कि ये इसमें से कौन है कौन नहीं है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखो हमारा 15 नंबर प्रश्न में हमारा समुच्चय दिया है 1 2 3 4 में, संबंध क्या दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, तथा हमें आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये स्वतुल्य है सममित है या संक्रामक है, पहले चेक करेंगे। तो स्वतुल्य अगर हम देखते हैं, स्वतुल्य निकालने के लिए आपको पता है AA का संबंध R से होना चाहिए, तथा अगर हम एक रखते हैं इसमें, अगर एक एक का संबंध R से हो या दो दो का संबंध R से हो या तीन तीन का संबंध R से हो, तो आप हमारे संबंध इस रिलेशन में देखो कि क्या इसमें ये परिभाषित है या नहीं है, क्या इसमें एक एक आ रहा है, तो ये एक एक आ रहा है, दो दो आ रहा है, दो भी आ रहा है और तीन 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 भी आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। अब हम निकालेंगे सममित, सममित निकालने के लिए भी आपको बताया रखा है कि ए बी का संबंध आर से तथा बी ए का भी संबंध आर से, तो अगर हम यहाँ पे एक दो रखते हैं, एक दो का संबंध आर से है, तो एक दो का अगर संबंध आर से है तो दो एक का भी संबंध हमारा आर से होना चाहिए। तो इसमें पहले ये देखो कि एक दो आ रहा है, एक दो है, दो एक का संबंध आर से इसमें रिलेशन में है हमारे, तो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सममित नहीं होगा। यहाँ पे लिख दोगे दो एक का संबंध आर से नहीं है इसलिए ये सममित नहीं होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे संक्रामक, संक्रामक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संक्रामक निकालने के लिए ए बी का संबंध आर से होना चाहिए, बी सी का भी संबंध आर से और ए सी का भी संबंध आर से हो, तो पहले ए एक और बी तीन है, तो एक तीन का संबंध आर से तथा तीन दो का संबंध आर से, और तथा अगर तीन दो का संबंध आर से तो एक दो का भी संबंध आर से, तो ये हमारे रिलेशन में शो कर रहा है, परिभाषित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो हमारे इस ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, देखो आप
15 नंबर प्रश्न में दिया है कि आर स्वतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो ये हमारा ये नहीं होगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये हो जाएगा। आर सममित तथा संक्रामक है तथा स्वतुल्य नहीं है, ये नहीं होगा। और आर एक तुल्यता संबंध भी नहीं होगा क्योंकि सममित तो है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर इजकल टू ए बी तथा ए इजकल टू बी माइनस टू बी, बी माइनस टू और बी बड़ा है 6 से द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे n इजकल टू प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो r इजकल टू ए बी, ए इजकल टू बी माइनस टू और b बड़ा होना चाहिए 6 से। तो अगर हम मान लो कि इस इक्वेशन में a इजकल टू बी माइनस टू में क्या करते हैं, अगर a एक ले लेते हैं, अगर a एक लेते हैं तो b का मान कितना होगा, b इजकल बी माइनस टू इजकल टू एक, तो b का मान कितना आएगा 3। और b हमें क्या बोला है, 6 से अधिक लेना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि a इजकल टू क्या रखे कि b का मान अधिक है। अगर a इजकल टू हम रखते हैं, मान लो 5 रखते हैं, a इजकल टू 5 रखते हैं, तो 5 इजकल टू b माइनस टू, b इजकल टू 7, तो हमको हमें क्या मिला 5 और 7। और हम चेक करें कि 5 और 7 हमारे ऑप्शन में दिया है, पाँच और सात नहीं दिया है। अगर हम a इजकल टू, तो ये हमारा नहीं होगा। अगर a इजकल टू 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इजकल टू b माइनस टू, तो b इजकल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आप देखो कि हमारे ऑप्शन में 6 और 8 दिया है, तो 6 और 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली 1.1 आज समाप्त होता है। तो हम अगले दिन देखेंगे प्रश्नावली 1.2। हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब जरूर करें, YouTube स्टडी को। थैंक यू सो मच।